कोरोना के कारण उद्योग और व्यापार पहले से ही मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। अब केंद्र सरकार का नया फरमान मंडी व्यापारियों के लिए नई मुसीबत लेकर आया है। इसके अनुसार मंडी यार्ड में व्यापारी के लिए जीएसटी के साथ सभी शुल्क कर और उपकर देने होंगे, लेकिन मंडी यार्ड के बाहर इन सब की छूट मिलेगी। यानी कि मंडी का माल महंगा और बाहर का सस्ता होगा तो फिर मंडी का व्यापार ठप होना तय है। देश में 13,500 कृषि मंडी, गौण मंडी और हाट बाजार है। यहाँ 27 लाख दुकानें हैं, जहाँ 1,35,00,000 व्यापारी, कर्मचारी और मजदूर काम करते हैं। तो वहीं प्रदेश की 247 उपज मंडियों और छोटी मंडियों के साथ हाट बाजारों में 1,00,000 दुकानें और करीब 7,00,000 व्यापारी, कर्मचारी और मजदूर काम करते हैं। अब मुश्किल ये है कि केंद्र सरकार ने 5 जून को फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब मंडी यार्ड के बाहर व्यापार करने पर लाइसेंस जरूरी नहीं होगा। राज्य सरकार की ओर से लागू मंडी शुल्क और उपकर भी नहीं देना होगा, जबकि मंडी यार्ड के अंदर व्यापार के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस लेने के साथ ही मंडी शुल्क और उपकर भी देने होंगे। मतलब साफ है, मंडी यार्ड में व्यापार की लागत ज्यादा होगी। जाहिर है, जब बाहर सस्ता माल मिलेगा तो खरीदार मंडी में क्यों आएंगे। मंडियों को अगर राजस्थान सरकार ने यहाँ से ये मंडी टैक्स खत्म नहीं किया, पहले तो सिर्फ राजस्थान में मंडी पे चीनी पे मंडी टैक्स है 1.6%, इन्होंने 1% अभी कृषि कल्याण टैक्स और लगा दिया जो सिर्फ राजस्थान में ही है। कुल मिला के ये खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब केंद्र सरकार ने क्या कर दिया कि अब किसी को भी मंडी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है काम करने के लिए। अगर अब कोई भी व्यापारी बाहर बिना मंडी लाइसेंस लिए चीनी मंगाता है तो उसको 2.60% चीनी सस्ती पड़ती है। मंडियों में कारोबार ही खत्म हो जाएगा, कोई मंडियों में क्यों कारोबार करेगा भाई। बाहर तो कोई भी बिना लाइसेंस के चीनी मंगा सकता है, हम लोग मंडियों में क्यों मंगाएंगे। 2.60 से लगभग 1 रुपया किलो चीनी पे मंडी टैक्स पड़ता है। क्या होगा बाहर और आप में अंतर क्या होगा? मंडियां खत्म हो जाएंगी, बाहर चीनी 1 रुपया किलो सस्ती पड़ेगी। मैं ही मेरी कोई दूसरी फर्म बना के मान लो बाहर लाइसेंस ले लेता हूँ और सीधे चीनी मंगाता हूँ तो मुझे ये 2.60 पैड नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि हमारे देश की मंडी व्यवस्था में किसान, व्यापारी और खरीदार के बीच सदियों से सामंजस्य बना हुआ है। हर कस्बे और शहर में करोड़ों रुपए की लागत से मंडी यार्ड बने हैं। यहां लाखों लोगों का रोजगार चलता है और सरकार को राजस्व भी मिलता है। अब केंद्र सरकार के नए आदेशों से सब ठप हो जाएगा। इंडिया का इन मंडियों के स्ट्रक्चर में व्यापारी का और स्टेट गवर्नमेंट का फंसा हुआ है, उन सब को वो सब मिट्टी हो जाएगा। क्योंकि मंडी में कौन माल लेके आएगा जब उसको 2.25% आड़त नहीं देनी है, जब उसको मंडी टैक्स नहीं देना है, जब उसको कृषक कल्याण फीस नहीं देनी है या अन्य किसी भी तरह का डेवलपमेंट चार्जेज वगैरह की अलग अलग स्टेट ने लगा रखे हैं वो भी अगर देने वो नहीं देने हैं तो वो बाहर अपना काम करेगा। इसका मतलब यह है कि जो ये बड़े इतने बड़े स्ट्रक्चर हैं ये नेस्त नाबूद हो जाएंगे और इनका कोई कीमत नहीं रहेगी। दूसरी ओर राज्य सरकार ने सहकारी समितियों को निजी गौण मंडियों के संचालन के साथ उन्हें मंडी शुल्क का 75% हिस्सा देने की घोषणा की है। प्रदेश में 550 ग्राम सेवा, क्रय विक्रय और सहकारी समितियों की निजी गौण मंडियां हैं। मंडी व्यापारी इसका भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के नए आदेशों से मंडी व्यवसाय पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इन मंडियों में हजारों लाखों व्यापारियों के साथ साथ कर्मचारी और मजदूरों की रोजी रोटी पर भी संकट मंडराने लगा है। कैमरामैन रामकिशन के साथ बीके शर्मा, A1 TV, जयपुर।